सन 1903 हवाई जहाज के इन्वेंशन ने बदल दिया दुनिया के आने जाने का तरीका। 2022 वेदांतो लॉन्चेस एआई लाइव और ये बदलने वाला है दुनिया के सीखने का तरीका। इंटरैक्टिव क्लासेस, टॉप टीचर्स, सिर्फ 5,000 रुपए सालाना। हेलो माय लवली एटम्स, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो मेरी एटम्स आर्मी, कैसे हो सब लोग? आई होप बहुत अच्छे हो, अच्छी हेल्थ में हो और जिंदगी कट नहीं दौड़ रही है। तो आज आपकी अनुभा मैम, आपकी प्यारी एजी मैम, आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आई है जिसका टाइटल एकदम आपके सामने है और वो क्या कह रहा है, 5 habits that you should adopt right now। वो बोलते हैं ना, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। मतलब देर सवेर अगर अकल आ जाए वो बहुत बड़ी बात है ना। और बहुत कुछ बोलते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो कुछ इम्पोर्टेंट हैबिट्स जो अगर आप फॉलो नहीं करते तो अभी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए उसे, क्योंकि आपको बनना है वो 1% पीपल की लिस्ट में जो लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, अच्छा करते हैं और खुश हैं, जिनके एग्जांपल्स लोगों को दिए जाते हैं कि उनके जैसे बनो, बिकॉज वो ये सब हैबिट्स को फॉलो करते हैं। तो चलिए जानते हैं वो कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट हैबिट्स हैं जो आपको, मुझे, हम सबको फॉलो करनी चाहिए, और अगर नहीं करते तो लेट्स प्रॉमिस ईच अदर कि आज से करेंगे। कम ऑन, ये वाला हैंड हो जाए कमेंट सेक्शन में, लेट्स प्रॉमिस ईच अदर कि आज से ये सब करेंगे। अब बोलोगे मैम बता तो दो, तो चलो फिर शुरू करते हैं राइट अवे। थोड़े गोल्डन एंड पर्पल हार्ट हो जाए, मैम वी पर्पल यू राइट। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ में वो जो बेल आइकन है प्रेस कर दो, ताकि कोई भी इम्पॉर्टेंट वीडियो आप अपनी अनुभा मैम की और इस चैनल की मिस ना करो, बिकॉज ऑल द वीडियोज आर सुपर डुपर इम्पॉर्टेंट और आपके लिए बहुत मददगार साबित होगी, चाहे आप 9th में आए हैं, चाहे आप 10th में आए हैं। ऑल राइट, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। वीडियो के आखिर तक 500 likes तो मुझे लगता है आप लोग ऐसे कर दोगे। मैम आपकी एटम्स आर्मी आपको इतना प्यार करती है कि सबके साथ शेयर भी करेगी और टारगेट को पूरा नहीं डबल करके दिखाएगी। राइट राइट एवरीवन, चलिए फिर वो प्यार देते रहिएगा। यू गाइस कैन फॉलो मी ऑन इंस्टा, दैट्स माय इंस्टा हैंडल anubha_ag_ag। ऑल राइट पीपल, एक बहुत ही पॉजिटिव कोट के साथ शुरू करते हैं और ये कोट ही नहीं है, दैट्स जस्ट अ फीलिंग। और वो क्या है जरा पढ़ते हैं। If you are going to achieve excellence in big things, you develop the habit in small matters, little matters. आप समझो, अगर आपको, चलो डिकोड करते हैं, मैम बहुत हैवी हो गया है ना, ओके। अगर आपको लाइफ में कुछ बड़ा करना है, बड़ी बड़ी चीज़ें हासिल करनी है ज़िंदगी में, अब बड़ी का मतलब सिर्फ मटीरियलिस्टिक नहीं होता है ना कि हाँ भाई मुझे बड़ी कार चाहिए, बड़ा बंगला चाहिए, इट कुड बी एनी थिंग जो आप, जिससे भी आप रिलेट कर सकें। तो जो भी आपने अपने लिए सपने देखे हैं, बड़े सपने देखे हैं, वो डेफिनेटली आप पूरा कर सकते हैं, बट शुरुआत होगी अपनी आदतों में छोटा छोटा सुधार लाने में। अगर आप हर दिन कल से अपने आप को बेहतर करने के लिए छोटे छोटे चेंजेस लाएंगे, तभी आपके फ्यूचर में वो बड़ा चेंज आपको दिखने को मिलेगा। और ये बहुत ही बढ़िया बुक है जो मैंने भी पढ़ी है, मैं पढ़ रही हूँ एटॉमिक हैबिट्स, उसमें भी यही लिखा है, हर दिन थोड़ा थोड़ा चेंज। जैसे मैं अपनी बात करूं, गिल्टी बट मुझे थोड़ा लेट उठने की आदत थी स्कूल टाइम से ना, जब तक अलार्म बज बज के मम्मी भी परेशानी हो जाती थी, उठती नहीं थी। अभी जॉब लाइफ शुरू हो गई है और इन अ वे वेदांतु में, क्योंकि टीचर्स जनरली शाम में क्लास लेते हैं तो हमारे वर्किंग आवर्स लाइक 12 बजे से शुरू होते हैं, ठीक है, फिर रात तक क्लासेस होती है। तो अब है कि लेट उठ रहे हो आप, क्योंकि कोई है नहीं कुछ करने वाला बोलने वाला, somehow you realize कि it's not good for you। आप अपनी हेल्थ को डिट्योरेट कर रहे हो विद टाइम, आपके एनर्जी लेवल कम हो जाते हैं, आप उतना खुश नहीं रहते, चिड़चिड़े रहने लग जाते हो लॉन्ग टर्म में, और बहुत जल्दी आपकी इम्यूनिटी कम होने लगती है, बहुत जल्दी छोटे छोटे चीज़ों को कैच करने लगते हो। देन आई एम लाइक आई वॉज रीडिंग दिस बुक, तो ये था कि काम तो करना है खुद पे, और यही था कि अब अगर आप चाहोगे कि कहीं आप मान लो 10 बजे उठते हो और कल से ही अपन 5 बजे उठेगा, ऐसा नहीं होता है, बिकॉज आपकी बॉडी को कोई भी नया चेंज अडेप्ट करने में भी तो टाइम लगता है ना। तो मैंने सोचा कि धीरे धीरे चेंज करते हैं,
हर दिन 15 से 20 मिनट जल्दी उठने की कोशिश की जाए, ठीक है, कि बॉडी को सडन ऐसे भी ना लगे कि आप बीमार पड़ जाओ, और धीरे धीरे छोटे छोटे चेंजेस और आप बेटर कर सको। तो वो 10 बजे से धीरे धीरे 15-15 मिनट करते करते अब मैं ऑलमोस्ट 7:30 पे आ गई हूँ, और मेरी कोशिश है इसको 6 बजे तक पहुंचाने की। अगेन आप सोच रहे हो, अरे वाह मैम, फिर क्या मैम अब इतने बजे उठते हो, ब्ला ब्ला ब्ला। आई एम शेयरिंग माई वल्नरेबिलिटी, माई नॉट सो गुड पार्ट विद यू ऑल, क्योंकि मैं भी आप लोगों में से एक हूँ। हम सबके अपने अपने स्ट्रगल्स होते हैं, है ना, कुछ अच्छे आते हैं, कुछ खराब आते हैं। मैटर क्या करता है कि हम अपने हैबिट्स पे काम करें, हम वो इम्पोर्टेंट चीज़ों को समझें कि हम अपनी ज़िंदगी में हर दिन छोटा छोटा सुधार लाएं, छोटी छोटी चीज़ों को अडेप्ट करके बेटर करने की कोशिश करें, ताकि आपके कल में एक बड़ा चेंज जो आपके लिए अच्छा हो सकता है वो आपका वेलकम करेगा। राइट, तो इसी बात पे थम्स अप दे दो। यस एजी मैम, यो एजी मैम, फॉलो करेंगे हम, आपसे रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि यही मेरा मानना है, यही मेरा मोटिव है आप लोगों को अपनी कहानियां सुनाने का। ओके, तो देखते हैं वो आज 5 हैबिट कौन सी मैं बताने वाली हूँ, अभी के अभी जानते हैं। सबसे पहली बात, इट्स नॉट अबाउट गुड हैबिट्स एंड बैड हैबिट्स। जरूरी नहीं है कि मैं बैड हैबिट्स की बात कर रही हूँ, इट्स जस्ट कि इन जनरल हम किन बारे में बात कर सकते हैं कि होनी चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी है, बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। और ये आपको देखने को मिलेगा बड़े लोगों में, है ना, बहुत एफिशिएंट होते हैं। बहुत सारे बड़े लोगों के कोई ना कोई आर्टिकल्स और उनकी बायोग्राफी जब मैं पढ़ती हूँ, जनरली बड़े लोग ऐसे नहीं, पैसा नहीं है, बट फिर भी सेम कलर की टी शर्ट रोज पहनते हैं, सेम सूट, सेम टाइप ऑफ सूट्स एवरी डे, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, जल्दी उठते हैं, है ना, अपना पूरा दिन प्लान करते हैं। क्यों करते हैं? पहली बात, सेम कपड़े रोज रोज, बड़ा आदमी यार रोज नए कपड़े पहन, इट्स लाइक कि इन चीजों पे टाइम वेस्ट क्यों करना, आपके कपड़े थोड़े ना आपको डिफाइन करते हैं, बहुत बड़ी बात है। और उनको, हमें लगता है कि शायद कहीं ना कहीं मैं कैसा दिख रहा हूँ, अच्छा के नहीं, मेरे कपड़े मुझे डिफाइन करेंगे, मैं भीड़ में सबसे अलग लगूं। हमें क्यों मैटर करता है? क्योंकि हम वहां पहुंचे नहीं है, हमें वहां पहुंचना है कि उनके बाद ये सारी चीजें सेकेंडरी लगे, आप समझ रहे हो। और वो इसलिए टाइम बचा के बहुत सारी अलग अलग चीजों पे काम किया जा सके, थोड़ा जल्दी उठ के 5 बजे। बहुत, अगर मैं बड़े बड़े लोगों की बात करूं, दे वेकअप अ लिटिल बिट अर्ली, 5 o'clock इन द मॉर्निंग, 5:30 इन द मॉर्निंग, 4:30 इन द मॉर्निंग, ठीक है। ये कारण है कि वो चाहते हैं कि सारे इंपॉर्टेंट काम अपने दिन के पहले अपने लिए टाइम निकाले, क्योंकि अगर आप अपने लिए टाइम नहीं निकालोगे ना, तो आपको एक टाइम के बाद सैचुरेशन आ जाएगा, और अगर सैचुरेशन आ गया तो फिर आपको खराब लगने लगेगा लाइफ में, डिप्रेशन होने लगेगा, ठीक है, एंजाइटी होने लगेगी कि यार अपने लिए टाइम नहीं है, कैसी जिंदगी है ये। अपने लिए टाइम निकालना बहुत जरूरी है, कुछ भी हो, चाहे वो एक्सरसाइज करनी हो, चाहे वो कोई बुक पढ़नी हो, चाहे वो किसी और चीज की प्लानिंग करनी हो, जो भी आपको अच्छा लगता है। लोगों को लिखना पसंद है, उनके लिए शांति चाहिए होती है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाना पसंद है, जो भी। तो अपने लिए भी टाइम, उनका भी यही है कि अपने लिए भी टाइम निकाल सके, उसके लिए अपने, उसके बाद अपने पूरे दिन को अच्छे से प्लान करके इम्पोर्टेंट काम पहले निपटा सके। तो आपकी लाइफ में, आप तो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स की लाइफ में भी ऑर्गेनाइज होना बहुत जरूरी है, ताकि कल आप वहां पहुंच सको। और ऑर्गेनाइज होने का मतलब क्या है? अपने समय के महत्व को, समय की वैल्यू को समझना, और अपने टाइम को बेटर तरीके से प्लान करना और ऑर्गेनाइज रहना। अगर आप ऑर्गेनाइज रहोगे ना, तो आप देखोगे कि वही 24 घंटे जो आपके पास है, वही 24 घंटे किसी और इंसान के पास है, आपको इस 24 घंटे में रियलाइज होने लगेगा कि आपके पास काफी वक्त है, काफी वक्त अवेलेबल है, ठीक है। और कई लोगों को लगता है 24 घंटे भी कम पड़ते हैं, यार ये दिन 24 घंटे का ही क्यों होता है, ऐसा लगता है कि टाइम इच नहीं है अपने पास, है ना। तो वो इसीलिए होता है, बिकॉज दे आर नॉट प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड, राइट। अ प्लान विल हेल्प यू टू डू एवरीथिंग इन अ स्ट्रीमलाइंड एंड ऑर्गेनाइज्ड वे। अगर आप बोलोगे कि मैम चलो आपने ये तो बता दिया कि ऑर्गेनाइज रहना है जिंदगी में, ऑर्गेनाइज रहे कैसे? उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी। जब भी आप सोते हैं, अब आप अगले दिन को प्लान करिए। अब मैंने बहुत लोगों को देखा है, वो ऐसे ऐसे वीडियोस बनाते हैं, और बहुत सारे आप में से लोग भी फॉलो भी करते हैं, 1 महीने की 3 महीने की प्लानिंग करेंगे। चलो हम 1 महीने की प्लानिंग बना लेते हैं, ये भी चलो छोटा है, 3-3 महीने की प्लानिंग बनाने लगते हैं कि अगले 3 महीने में मुझे ये करना है। जितना दूर गोल होता है ना, उतना मुश्किल होती है उसको अचीव करने की, उतना ज्यादा
प्रोबेबिलिटी है कि आप जल्दी उसको गिव अप कर दें, छोड़ दें। इसीलिए जब भी आप अपने लिए प्लान बनाए, बड़े टाइम के प्लान बनाए मत, आप प्लान बनाइए 1 से 2 दिन का, क्योंकि जब वो पूरा करते हो ना तो वो अलग ही खुशी होती है, और उससे वो खुशी मोटिवेशन का काम करती है अगले दिन। इट्स लाइक यू कीप गोइंग विद दैट, है ना, आपको फिर अगले दिन मन करेगा उससे भी बेहतर करने का, उससे भी अच्छा करने का। तो सोने से पहले अगले दिन में मुझे ये करना है कि भाई आज सैटरडे है, कल संडे है, मंडे को स्कूल में इसका टेस्ट होने वाला है, उसके अलावा ना मम्मी ने बोला था कि तेरी कबड़ इतने दिन से ऐसे पड़ी है, कपड़े भी नहीं मिलते, ये वो ये वो। मम्मी की हेल्प करनी भी जरूरी है, अपनी कबड़ भी अरेंज करनी है, अपना कमरे में बहुत गंदगी फैला ली है उसको थोड़ा सा साफ करना भी जरूरी है। डी क्लटरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, अपने थॉट्स के लिए भी, अपने कमरे के लिए भी, है ना, बहुत जरूरी है। तो थोड़ी बहुत प्लानिंग बना ली, जस्ट सम एग्जाम्पल, है ना, किसी और की प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट बता रही हूँ उससे बिल्कुल अलग हो सकती है। इट जस्ट सम एग्जाम्पल दैट केम टू माई माइंड। तो सोने से पहले एक बार सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करना है, उठते ही ब्रश रश करके अपने कमरे की बेसिक सफाई कर देनी है, चीज़ों को अरेंज कर देना ताकि पढ़ना भी आसान हो जाए, ठीक है। उसके बाद अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करके पढ़ाई कर ली कि भाई ये चैप्टर बहुत ज़रूरी है, टाइम से पूरा कर लेते हैं। ईट दैट फ्रॉग नाम की बुक भी है, वो भी ये बोलती है कि सबसे इंपॉर्टेंट काम और जो सबसे ज़रूरी है पहले ही निपटा लो ताकि बाकी का दिन रिलैक्स हो जाए। तो वो चैप्टर को कहीं ना कहीं जो भी काम था वो पहले ही निपटा लिया, इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़ के, बॉक्सेस पढ़ के, वीडियोस देख के, यू नो, लिख लिख के, प्रैक्टिस करके। अब जो बाकी दिन बचा, दिन प्लान अकॉर्डिंगली कि हाँ अब थोड़ा चिल किया जाए, जो भी आपको पसंद है, कोई थोड़ा बहुत गेम खेलना, कोई आउटडोर एक्टिविटी, उसके बाद अपनी मम्मी को भी अच्छा लगना चाहिए कि भाई हमारे बच्चे काम में हेल्प कर देते हैं, अपनी कबर थोड़ा बहुत सेट किया, फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया, है ना, उसके बाद भी लगेगा टाइम बाकी है। आप समझ रहे हो, जस्ट प्लान योर डे प्रॉपरली, इफ यू आर एबल टू डू दैट यू आर इन द राइट पाथ, कोई आपके रास्ते में नहीं आ सकता। और जब भी आप थोड़ा ज़्यादा ऑर्गेनाइज होंगे ना, ये स्ट्रेस जो है ना, ये जो एंजाइटी है, ये आएगी ही नहीं। जितने ज़्यादा आप ऑर्गेनाइज रहेंगे उतने ज़्यादा खुश रहेंगे। देर वॉज अ टाइम इन माई लाइफ मुझे लगता था कि यार टाइम नहीं है मेरे पास, देन आई रिफ्लेक्ट बैक एंड आई रियलाइज टाइम है मेरे पास, मैं उसको बेटर तरीके से ऑर्गेनाइज और प्लान नहीं कर रही हूँ, ठीक है। जब थोड़ा सा कोशिश किया ऐसा लगा आई ला बहुत टाइम है, इतना टाइम था, इतना टाइम पॉसिबल था। तो आप समझ रहे हो, और प्लानिंग मैं नहीं बना सकती आपके लिए, प्लान मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी दिनचर्या, मेरा काम आपके काम से एकदम अलग हो सकता है। वो आपको डिसाइड करना है अपनी कैपेबिलिटीज, अपनी बॉडी, अपनी हेल्थ, अपनी एनवायरनमेंट के हिसाब से, ठीक है। एक एक दिन के हिसाब से रात को अपने आप को टारगेट दो कि कल का मेरा ये प्लान है, राइट। दूसरी बात, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर आप लोग उन लोगों में से आते हैं कि मैम बहुत छोटी छोटी चीज़ें ना लाइफ में अफेक्ट कर जाती है और ऐसा लगता है, और फिर पूरा टाइम वेस्ट कर देते हैं उसी बारे में सोच सोच के, पढ़ाई भी नहीं होती फिर। तो दिस इज द हैबिट दैट यू ऑल नीड टू अडैप्ट, दैट इज स्टे पॉजिटिव। खुश रहना है, पॉजिटिव रहना है। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आएंगी जो खराब भी फील कराएंगी, लोग भी, इवन रिश्तेदार भी। आपको क्या करना है, बोलना है आई एम माई ओन मास्टर, मैं अपने आप को खुद डिफाइन करूंगा कि करूंगी। आप समझ रहे हो, वो एक बहुत बड़ी कहावत भी है ना, देर आर थिंग्स दैट इज इन योर कंट्रोल, देन वाई टू वरी, जो आपके कंट्रोल में आप उस पर काम करो, उसको सही करो। देर आर थिंग दैट इज नॉट इन योर कंट्रोल, अगेन देन वाई टू वरी, जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है उस बारे में चिंता करने की क्या जरूरत है, सोचो जाए ये जाती रहे, बाहर में जाए, जस्ट स्टे पॉजिटिव। और वो भी बोला जाता है ना, देयर इज अ बुक ऑल्सो द सीक्रेट, उसमें भी यही बताया गया है शाहरुख खान स्टाइल में, जिस चीज़ को शिद्दत से चाहो पूरी कायनात आपको मिलाने में लग जाती है। इट जस्ट द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि आप अच्छी चीज़ें सोचोगे, अच्छे थॉट्स रखोगे, आपकी लाइफ में उतनी ही पॉजिटिविटी, उतनी ही अच्छी चीज़ें आपको सुनने को मिलेगी। यही मैं भी करती हूँ, सोने से पहले अच्छी चीज़ें सोच के सोती हूँ, और ग्रैटिट्यूड, सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड रखती हूँ हमेशा। आई एम सो थैंकफुल कि मुझे बच्चों से, आप लोगों से इतना प्यार मिलता है और ये ऐसे बना रहे। आई प्रॉमिस माई सेल्फ दैट आई ऑलवेज रिमेन यू नो ग्राउंडेड, और हमेशा ज़मीन से जुड़े रहेंगे, हम्बल रहेंगे, ह्यूमिलिटी रहेगी, बहुत ज़रूरी है ये। तो सोने से पहले ये ज़रूर करना है, चाहे दिन खराब भी जाए, बट एक स्माइल के साथ सोना है, और ये सोच के कि दे बहुत सारी ऐसी चीज़ें मेरी लाइफ में जिसके बारे में मैं बहुत थैंकफुल हूँ। आई हैव माई पेरेंट्स,
नहीं भी है, मतलब जो भी रीजन है, कि कोई तो एक ऐसी चीज है जिस जो मुझे खुश फील कराती है, हैप्पी फील कराती है, जिसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ. जस्ट स्टे पॉजिटिव, तो कि उससे आप पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे. ठीक है, लोग मजाक उड़ाते हैं, लोग खराब बोलते हैं आपके बारे में, लोग आपको डी वैल्यू करते हैं. जस्ट गिव इट अ स्माइल. उनकी खुद आपने बेइज्जती कर दी अपनी स्माइल के साथ. ठीक है, उनको खुद शर्म आ जाएगी. क्यों? क्योंकि आप एक पॉजिटिव इंसान है, कि उसको स्माइल ले कह रहे, भाई तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते. आई नो माई सेल्फ, आई नो माई सेल्फ, हु एम आई. एंड ऐसा नहीं कि मैं बहुत बेस्ट हूँ, बट हाँ, मैं हर दिन अपने ऊपर अपना बेटर वर्जन बनने के लिए काम कर रहा हूँ कि कर रही हूँ. ये तो कभी नहीं छोड़ना है, चाहे आप एक दिन बुढ़े ही क्यों ना हो जाए. ठीक है, लोग अपने ऊपर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये काम करना बंद कर देते हैं एक टाइम के बाद. अब क्या करना है लाइफ में? ऐसा नहीं होता. दिस इज समथिंग लाइक अ मिशन. दिस शुड बी अ मिशन फॉर योर सेल्फ. करेंगे तो अच्छा है आप लोगों के लिए, कुछ रहेगा. एंड अडॉप्ट अ फ्रेंडली एटीट्यूड, लुक फॉर द गुड इन अदर पीपल, एक्ट हैप्पी, क्रैक मोर जोक्स. आपने देखा है ना, आप बोलते हो एजी मैम क्या करते रहते हो, आप अपना ही मजाक उड़ाते रहते हो, खुद को ही बोलती रहती हो छोटू मैम, हाँ आई लुक लाइक अ शॉर्ट पर्सन, आई एम अ शॉर्ट पर्सन, है ना, और कुछ कुछ बोलती रहती हो खुद के बारे में, अपनी कमियां भी आप लोगों को बताती रहती हूँ हंसते हंसते, कि मैं ये करती थी, मैं वो करती थी. क्यों करती हूँ मैं? इट्स जस्ट अ वे टू कनेक्ट विद यू ऑल, ताकि आप लोग भी मुझसे कनेक्ट कर सकें. आप लोग मुझे अपने टीचर के साथ साथ, गाइड के साथ साथ, एक फ्रेंड समझ के अपनी लाइफ की चीजें शेयर कर सके, ताकि आप बेटर फील करें. और जब आप अपने आप के बारे में जोक क्रैक करने लगते हैं बैठ के सबके सामने, तो मतलब आप एक इमेज लोगों को दिखा रहे हैं कि आप बहुत फ्रेंडली इंसान है, आपको फालतू की चीजों से फर्क नहीं पड़ता, और कोई आपका ज्यादा मजाक फिर उड़ाएगा ही नहीं. अरे यार, इसका क्या मजाक उड़ा, इसको तो खराब ही नहीं लगता, तो खुद के बारे में ही कुछ ना कुछ बोलता रहता है, बोलती रहती है. अब अच्छा, इसका मतलब ये नहीं खुद को डिमीन करना है, खुद को डिमीन ना किसी को करने देना है ना करना है. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट एन अप्रोच, जस्ट बी गुड विद पीपल. ये देखो, दूसरे इंसान में कोई गलती भी कर दे तो ये सोचो यार उसका कोई ना कोई कारण रहा होगा, है ना. क्यों? उसका मतलब ये नहीं है कि आप गधे हो, उसका मतलब ये कि आप में इतनी सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग है कि आप अपनी पीस के लिए उसको माफ कर देते हो, अपनी पीस ऑफ माइंड के लिए, कि यार ठीक है गलती की, कोई ना कोई उसकी भी वजह रही होगी, कुछ हालात ऐसे रहे होंगे, है ना. लुक फॉर गुड इन अदर पीपल. अभी मेरे भी कुछ रिश्तेदार किसी इंसान के बारे में बोल रहे थे कि वो तो ऐसे नहीं करता, वो तो ऐसे नहीं करती, तू क्यों करती है उसके लिए? एंड आई एम लाइक, बिकॉज दैट्स द अदर पर्सन, आई एम डिफरेंट पर्सन, है ना, डिफरेंट पर्सन. मुझे करके अच्छा लगता है, खुद को खुशी फील होती है. अब दूसरा उसको डिमीन करता है, करने दो. हैव अ फ्रेंडली एटीट्यूड, ऑलवेज बी हैप्पी, एक्ट हैप्पी, क्योंकि हैप्पीनेस ऑटोमेटिकली आप में आ जाएगी. और जितना खुश मिजाज रहेंगे, जितना फ्रेंडली रहेंगे, आप एक बेटर ऑरा क्रिएट कर रहे हैं अपने अराउंड, और अपॉर्चुनिटी धीरे धीरे आपके पास आती चली जाएगी. इट्स अ वेरी गुड अप्रोच. ऑल राइट, उसके बाद इम्पॉर्टेंट बात जो शायद मैं पहले भी बता रही थी, प्रायोरिटाइज करना. ठीक है, जब आप एक प्लान बनाते हैं अपने लिए कि हाँ मुझे अपने आप को ऑर्गेनाइज रखना है, यू स्टिल हैव टू डू दिस थिंग. उस प्लानिंग का कोई मतलब नहीं है, उस ऑर्गेनाइजेशन का कोई मतलब नहीं है जिसमें आपने चीजों को प्रायोरिटाइज नहीं किया, क्योंकि आप बुरी तरीके से फेल हो जाओगे. प्रायोरिटाइज व्हाट्स इम्पॉर्टेंट, अगेन दैट्स व्हाट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, कि हाँ भाई अगले दिन की जब मैं प्लानिंग कर रही हूँ, मुझे पता है कि मेरे को पांच काम करने हैं, उन पांच काम में से मेरे ये दो काम ऐसे हैं जो सुपर इम्पॉर्टेंट हैं, तो मैं सबसे पहले टारगेट में इन दोनों काम को निपटाऊंगी, फिर उसके बाद प्रायोरिटी थर्ड फोर्थ फिफ्थ को भी उसमें, कि हाँ भाई ये वाला काम, लास्ट वाला काम ऐसा था कि इम्पॉर्टेंट है, बट इतना भी नहीं कि मैं बाकी चीजों को साइडलाइन कर दूं, तो उसके हिसाब से अपने काम को कंप्लीट करूं. ठीक है, बड़ा टास्क पहले निपटा लिया, उससे क्या होगा, बाकी के काम को आसानी और उसको करने का और जज्बा मिल जाएगा आप लोगों को. ठीक है, जैसे कि वही एग्जाम्पल दिया कि क्लास का कोई टेस्ट है, कल ही है, तो सबसे पहले उसको निपटा लो. मान लो आपको बाकी का काम भी करना था, एक और टॉपिक रिवाइज करना था, पहले टेस्ट के लिए रिवाइज कर लिया, पढ़ लिया इंपॉर्टेंट चीज है, उसके बाद बाकी के टॉपिक पे आ जाओ, बाकी के काम को प्रायोरिटी दे दो. ठीक है, और उसके लिए अपनी डिस्ट्रैक्शंस को कट आउट करना बहुत जरूरी है. एंड यू नो व्हाट आई मीन, डिस्ट्रैक्शंस को कट आउट करना, अपने फोकस
फोन से वीडियो तो देख रहे हो, बाद में कोई नोटिफिकेशन आया, ध्यान भटक गया, अब 1-2 घंटा उस पे लगाया, वापस आया, अरे धत तेरी की ये क्या कर दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। फालतू की नोटिफिकेशंस बंद कर दिया करो जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो, बहुत जरूरी है। ध्यान मत भटकाओ जब भी आप अपना पढ़ाई का काम कर रहे हो, और लाइफ में ये रूल सीख लो, देर मस्ट बी सो मेनी वर्क इन अ डे बट यू स्टिल हैव टू प्लान कि किस टाइम किस काम को किया जाए, टू बी मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड कीप काम एंड डोंट किल द पेशेंट। इसका मतलब क्या है कि भाई अपने आप को काम रखना मुश्किल नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं यार ठीक है हम लोग काम रहते हैं, बट काम रहना अंडर प्रेशर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके ऊपर। हम लोग भी करते हैं, मान लो एक दिन मेरे पास इतना काम आ जाए, मुझे 6-7 क्लास लेनी है, उनको अच्छे से भी प्रिपेयर करना है, एक टाइम के बाद फ्रस्ट्रेशन आने लगती है और गुस्सा, इरिटेशन किसी न किसी काम को लेके, जो बिल्कुल गलत है। जिस इंसान ने अपने मुश्किल टाइम पे बहुत सारे प्रेशर पे भी काम रहना सीख लिया ना, क्योंकि उसका दिमाग शांत है, और जब दिमाग शांत है, काम है, उसके पास ज्यादा आइडियाज आएंगे टू वर्क अपॉन बेटर थिंग्स, टू हैव अ बेटर इंसाइट इन लाइफ। चीजों को देखने समझने की शक्ति उसकी बेटर हो गई, वो ज्यादा एनालाइज कर पाएगा, ज्यादा प्रोडक्टिव रह पाएगा लाइफ में, ठीक है। पेशेंस इंप्रूव एबिलिटी टू एक्सेप्ट सेटबैक्स एंड एंजॉय लाइफ मच मोर, ठीक है ना, कर लेंगे, दिस अप्रोच इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना, कर लेते हैं, ठीक है ना, कर लेंगे, ठीक है, काम है तो क्या, काम तो होता ही है, कर लेते हैं। प्रॉब्लम है सबकी लाइफ में होती है, देखते हैं क्या सोल्यूशन हो सकता है। तो जब आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है, जैसे एग्जाम में करते हो, घबरा जाते हो, परेशान हो जाते हो, उस टाइम काम रहोगे ना तो आपको समझ आएगा, ज्यादा चीजों को ज्यादा समझने की शक्ति ज्यादा साफ साफ दिखाई देगी, और अगर ये सीख लिया तो इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली, ये सीख लिया इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। उसके अलावा मेडिटेशन करने से भी आपको चीजें बहुत क्लियर हो जाती है, दिमाग में सारे थॉट्स बहुत धुंधले हैं, समझ नहीं आ रहा है लाइफ में क्या हो रहा है, एंजाइटी रहती है, पता नहीं लाइफ में करना क्या है, समझ नहीं आ रहा जो पढ़ाया जा रहा है, फैमिली में थोड़े बहुत इश्यूज हैं जिसको हैंडल नहीं किया जा रहा है। मेडिटेशन करो, दिन में 15 मिनट निकालो, सुबह 15 से 20 मिनट मेडिटेशन करो, ठीक है। मेडिटेशन कोई वंडर एक दिन में नहीं करेगा, आपको बहुत टाइम लग जाता है टू मेडिटेट, स्टार्टिंग में तो आप 2 मिनट भी फोकस नहीं कर पा रहे, पर धीरे धीरे वो आ जाएगा, जिससे आपके अंदर वो इनर पीस रहेगी, ताकि आप अपने काम को अच्छे से कर पाओ, नई चीजों को बेटर तरीके से अडेप्ट कर पाओ और अपना बेटर वर्जन बन सको। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, रियली वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्रॉमिस मी टुडे कि ये सब करने वाले हो, अपनी एजी मैम को आज प्रॉमिस करो कि ये सब करने वाले हो, कि प्रेशर में मैम काम रहने की कोशिश करेंगे, जो इम्पोर्टेंट है पहले उस काम को प्रायोरिटाइज करेंगे, एक बहुत ही फ्रेंडली एटीट्यूड और पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे, और अपने आसपास कचरा नहीं होने देंगे, ना अपने दिमाग में कचरा होने देंगे, डीक्लटरिंग पे जोर देंगे और अपने आप को ऑर्गेनाइज रखेंगे, अपने दिन को ऑर्गेनाइज रखेंगे, ठीक है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपके सारे मास्टर टीचर्स आपको भी पता है हमेशा आप लोगों के लिए अवेलेबल रहते हैं, हमेशा आपको गाइड करने की कोशिश करते हैं, मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, एंड हम कौन है, हम वेदांतु हैं, राइट। तो वेदांतु हैज दिस विजन फॉर यू ऑल स्टूडेंट्स कि आपको अपना बेटर वर्जन बना सके, आपका इम्प्रूवमेंट करा सके आपकी पढ़ाई में एज अ पर्सन ऑल्सो, और वेदांतु इस हेल्प को और बढ़ाने के लिए अपने कोर्सेज भी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो जब आप किसी भी वीडियो को, आज के वीडियो को जहाँ वेदांतु 19th लिखा हुआ है, वहाँ ऐसे शो मोर आता है, उस पर जैसे ही क्लिक करोगे, आपके पास एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है वेदांतु के कोर्सेज का हिस्सा बनने की और अपने इम्प्रूवमेंट को गारंटीड लेने की, क्योंकि हम सब लोग उसका हिस्सा बनेंगे और कोशिश करेंगे आपको एक बेटर पिक्चर दिखाने की कि आप भी इम्प्रूव कर सकते हैं, बिल्कुल इम्प्रूव कर सकते हैं, आप भी अपना बेटर वर्जन बन सकते हैं। कोई सब्जेक्ट आपको लगता है समझ नहीं आता, ऐसा कुछ नहीं है, इट जस्ट योर थॉट्स, यू ऑल हैव दैट पोटेंशियल, और एक्स्ट्रा हेल्प लेने में कोई बुराई नहीं है, और स्पेसिफिकली तब जब वो पॉकेट फ्रेंडली हो। वेदांतु ने बहुत टाइम से एक स्पेशल प्लान पे काम किया जिसको प्रो लाइफ प्लान बोला जाता है, कि उसको इफेक्टिव कैसे बनाया जाए, चाहे आप 9th में है, 10th में है, यहाँ से आप चूज कर सकते हैं जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे। अफोर्डेबिलिटी का मतलब जो कोर्सेस बहुत महंगे, कहीं भी आप जाओ तो पूरे साल का कोर्स आपको 25-30 हज़ार में तो मिलता है, या 30 हज़ार मेनली,
सिर्फ 4500 में पूरा साल का कोर्स मिल रहा है, जिसमें आपको सोशल स्टडी, SST, फिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री, डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स, AG मैम, बायो अमृत सर, फिजिक्स अभिषेक सर, इंग्लिश अमित रोहरा सर, मैथ्स ऐश्वर्या सर, सोशल स्टडीज SST अंकना मैम, सारे आपके फेवरेट मास्टर टीचर्स। और ये बैच शुरू हो रहा है, इट जस्ट स्टार्ट गोइंग टू स्टार्ट ऑन 23rd। तो इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस मत करो, क्योंकि डे वन से वील मेक श्योर कि आप सही रास्ते पे हैं और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। और आपको आपके सारे डाउट सॉल्व करने की अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, उसी सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स क्लास में बैठेंगे और आपके डाउट्स को उसी टाइम सॉल्व करेंगे प्रायोरिटी के साथ। हर एक क्लास में क्विजेज होती है। क्विजेज का मतलब क्या है कि मैम एग्जाम में क्विज नहीं आती, बट आपको कहीं ना कहीं फर्दर एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। वो टाइम बाउंड होते हैं, टाइम बाउंड उस प्रेशर को हैंडल करके काम रह के कैसा रिस्पॉन्स किया जाता है वो सीखोगे। क्विज इज जस्ट अ वे के जो टॉपिक आपको पढ़ा दिया है उसको चेक करना कि आपको समझ में आ गया है, और आपके डाउट्स लेना। ये भी होगा आपके साथ टॉपिक्स के असाइनमेंट और क्लास नोट शेयर किए जाएंगे। तत्वा बुक्स के PDFs आपको मिलेंगे, बेस्ट बुक है वो, कर लिया क्लासेस देख ली वेदांतों की, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, ट्रस्ट मी ऑन दैट। एग्जाम से पहले, मिड टर्म से पहले, फाइनल एग्जाम से पहले स्पेशल प्रैक्टिस सेशन, रिविजन सेशंस भी होते हैं और टेस्ट वगैरह भी हो रहे हैं, तो आपको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है जैसा हमने बोला। तो ये सब आपको मिल रहा है AG प्रो कोड लगाने से, 5000 का 10% डिस्काउंट, 4500 ₹500 का डिस्काउंट मिल गया आपको सिर्फ 4500 में, 4500 में पूरे साल का प्लान बना। 9th का हो, 10th में हो, पूरे साल का प्लान है, सब पढ़ाया जाएगा, ठीक है। यानी कि आप एक महीने का प्राइस अगर मैं 12 से डिवाइड करूँ, ₹375 दे रहे हैं, ठीक है, विच इज अफोर्डेबल, विच इज पॉकेट फ्रेंडली। एंड टेलिंग यू इन एडवांस, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये प्राइजेस रिवाइज होने वाले हैं बहुत जल्दी, और ये प्राइजेस इसका डबल होने वाले हैं, क्योंकि वेदांतु को सब चीजें चलाने के लिए भी उसको कॉस्ट इफेक्टिव बनाना जरूरी है कि कंपनी यू नो उसको अफोर्ड कर सके उस लेवल पे। तो ये प्राइस बहुत जल्दी चेंज होने वाला है, मेकअप योर माइंड टुडे इटसेल्फ एंड गेट एनरोल्ड, क्योंकि ये मंडे से शुरू हो रहा है, ठीक है। और मैं बिल्कुल देखना चाहूंगी आप सबको मेरे बैचेस में, क्योंकि आप मैम की एटम्स आर्मी हो और मैम आप सब लोगों का भला और आप में इंप्रूवमेंट देखना चाहती है। सो एज वेदांतु, दैट्स द विजन ऑफ वेदांतु, स्टूडेंट सेंट्रिक प्लेटफॉर्म। तो जल्दी से आ जाइए, इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करिए, AG मैम और अपने बाकी टीचर्स के क्लासेस का हिस्सा बनिए, वी आर जस्ट वेटिंग फॉर यू ऑल, है ना। तो 9th हो, 10th हो, दोनों के कोड लगाए हुए हैं, और बस सिंपल AG प्रो से आपको वो मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। फिर भी लगता कोई दिक्कत परेशानी कि मैम थोड़ी और क्लैरिटी चाहिए, वीडियो में आपको एक नीचे एक मैसेज दिख रहा है एक नंबर के साथ कि आप इस नंबर पे कॉल करेंगे, आपको मेरी टीम से पर्सनल असिस्टेंस भी मिलेगी कोर्सेज को सोचने समझने जानने के लिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी एक लिंक दिया हुआ है कि व्हाट्सएप का लिंक है, उसी पेज पे आपको लेके जाएगा जहाँ पे एक ऑटोमेटेड मैसेज आ जाएगा और आप तक आपको हेल्प पहुँच जाएगी, और ये हेल्प नीडेड थी, हमने सोचा इस बारे में, तो वो हेल्प आपको मिलेगी कि हाँ मैं AG मैम का स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट और उसको ये हेल्प चाहिए, मेरा नाम ये है, मेरी क्लास ये है, ठीक है। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वो प्यार, वो जज्बात अपने दिखाइए वीडियो को लाइक करके, मुझे लगता है इससे ज्यादा तो आराम से हो गया होगा, डबल करने का टारगेट था वैसे, मैं जरूर देखूंगी साथ साथ, ठीक है। दोस्तों के साथ शेयर पक्का पक्का कर दीजिएगा, क्योंकि आज ही सिखाया ह्यूमिलिटी रखनी है ना। कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा, बेस्ट पार्ट क्या था, और आप उसको फॉलो करेंगे #IAMMYOWNMASTER, ये मुझे चैट में, मुझे कमेंट्स में चाहिए #IAMTheMasterOfMyLife, IAMTheMasterOfMyLife, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप नए हैं तो, और आपको ढेर सारा थैंक यू टू बी अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो और इसको और बड़ा बनाने में मदद कीजिए। ओके एटम्स आर्मी, अगली बार मिलेंगे आपकी AG मैम के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड हास्ता ला विस्ता।